हैं, अगेन फीआरसी होती है और फिर उस बेसिस पे उसको हमको किस कैटेगरी में रजिस्टर्ड करना है या नहीं करना उसका डिसीजन होता है। वीआरसी का रिकमेंडेशन फिर हमारे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो कि अभी एचओएमएम है, हेड ऑफ मटेरियल्स मैनेजमेंट, उनके पास जाती है। फिर वो जो उनके रिकमेंडेशन पे या उनके अप्रूवल पे हम उसको उस फॉर्म को अपने यहाँ पे रजिस्टर्ड करते हैं। नेक्स्ट, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हम रिक्वेस्ट करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को कि आप सबमिट कीजिए ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन सेशन। पहला है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, आपके पास क्या क्या मशीनरीज हैं जिसको यूज़ करके आप अपने प्रोडक्शन को करते हैं, उसका एक डिटेल लिस्ट हम लेते हैं। देन क्वालिटी मैनेजमेंट, आप जो भी बना रहे हैं उसका बिफोर मैन्युफैक्चरिंग, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, उसकी क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए आपके पास क्या फैसिलिटीज़ है। इट मे बी कि कुछ आप अपने इन हाउस में करते हैं, कुछ बाहर से आउटसोर्स करते हैं, उसका भी डॉक्यूमेंट हम आपसे लेते हैं। थर्ड वन, पीओ, परचेज ऑर्डर, आप जो बना रहे हैं उसको आपने कहाँ कहाँ सप्लाई करा हुआ है, वो एक परचेज ऑर्डर की कॉपीज हम लेते हैं। फोर्थ वन, आप हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किए हैं लेकिन हमसे पहले आपने कहाँ कहीं पे रजिस्ट्रेशन आपको मिला हुआ है। अभी रिसेंट में मैं आपके साथ एक कंसर्न शेयर करूंगा कि हमें देखने में आता है कि कोई कंपनी त्रिवेंद्रम में शिफ्टेड है, सिचुएटेड है, कोई कंपनी अहमदाबाद में सिचुएटेड है, लेकिन उनके पास में उस रीजन का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होता, कोई भी मतलब उनका रजिस्ट्रेशन क्रेडेंशियल नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, हमारी टीम के माइंड में आता है कि भाई वो कंपनी त्रिवेंद्रम में है, त्रिवेंद्रम में अपना बहुत सारा सेटअप है, इसरो है, बार्क है, लेकिन उतना आप अपने पेरिफेरियल को छोड़ के आप हमारे पास आ रहे हो, तो एक क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए ये एक मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हमारा है कि आपकी यूनिट्स जहाँ पर हैं, आप पहले बिजनेस वहाँ शुरू कीजिए, हमारे पास आइए, हम आपको फिर फर्दर एसेस करेंगे। प्रीवियस वन, ऑडिट फिनेंशियल रिपोर्ट, ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि अभी हम लोग एक सेल बीएसएल इस चीजों को फेस करते हैं, डिले इन डिलीवरी। आप ऑर्डर तो ग्रैब कर ले रहे हैं लेकिन आपके पास में उतना फिनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है कि उसको आप टाइम में डिलीवर कर पाए। आप हो सकता है आप रॉ मटेरियल प्रोक्योर नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास में लेटेस्ट मशीनरी भी नहीं है, इसलिए हम ऑडिटेड फिनेंशियल रिपोर्ट लेते हैं कि सही में आपके पास में वो फिनेंशियल स्ट्रेंथ है कि नहीं है, आपके पास वो कॉर्पस है कि नहीं है कि आप हमारे ऑर्डर को ग्रैब कर पाए। एक बार आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, ऑर्डर लेना शुरू कर जाएंगे, लेकिन अगर आपकी फिनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं रहेगी तो आप कभी भी क्वालिटी मटेरियल विद इन स्टिपुलेटेड टाइम हमको नहीं दे पाएंगे, जिस पे हमें फिर आगे बहुत दिक्कत होता है क्योंकि आप ही के दिए हुए स्पेयर्स को, आप ही के दिए हुए मटेरियल्स को लेकर के हमको आगे बढ़ना होता है। एंड द लास्ट डॉक्यूमेंट वी सीक फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर्स लाइक पैन, जीएसटी एंड डीड ऑफ पार्टनरशिप, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंपनी ऑफ रजिस्ट्रार, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड एमएसएमई सर्टिफिकेट। हम अभी एमएसएमई के प्रोग्राम में बैठे हुए हैं तो ये डॉक्यूमेंट भी बहुत ही वैलिड होता है कि एमएसएमई ने आपको किस कैटेगरी के लिए फिट समझ रखा है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हम सेल्फ सर्टिफाइड है, जो एंटरप्रेन्योर्स को अपने से साइन करा के देना है, कोई नोटराइज कराने की जरूरत नहीं है, किसी से अलग से उसको सर्टिफाइड करने की जरूरत नहीं है। जो भी कंपनी के ऑथराइज सिग्नेटरी हैं वो इन डॉक्यूमेंट्स को साइन करके सबमिट कर सकते हैं बोकारो स्टील प्लांट को फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ देयर फॉर्म इन डिफरेंट आइटम कैटेगरी। सो दिस मच इज फ्रॉम माय साइड।